हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश में एरर के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो फ्रेंड्स आज भी हम एरर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वो भी मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा अच्छी तरह से। आप इन सब कॉन्सेप्ट को नोट ज़रूर करें अपने कॉपी में, अगर आपको कुछ भी नया लगे तो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखिए, अ सेंटेंस स्प्लिट इंटू फोर पार्ट्स हैज़ बीन गिवेन, चूज द बेस्ट ऑर्डर विच प्रोड्यूसेज द ओरिजिनल सेंटेंसेज। मतलब देखिए दोस्तों, इसको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, एक ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला यह है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, तो कौन सा सूटेबल अरेंजमेंट होगा इसके लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो सब में दो से स्टार्ट है, यानी कि दो से सब में स्टार्ट होगा। ठीक फ्रेंड्स, सब में दो से स्टार्ट होगा, तो दो वाला कौन सा है? अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस। तो फ्रेंड्स, दो से स्टार्ट होगा। अगर हम लोग इसे एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करें, तो इसके बाद एक वर्ब तो आना ज़रूरी है। तो देखिए किस में वर्ब है, ये दोस्तों इसमें वर्ब नहीं है, इसमें प्रीपोजिशन आ रहा है पहले है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस वाले तीन वाले में भी वर्ब नहीं है, एंड आ रहा है इसके बाद। देखिए दोस्तों, चौथे वाले में वर्ब आ रहा है, इज आ रहा है वर्ब, यानी कि दो के बाद चार आएगा। देखते हैं किस में दो के बाद चार है। फ्रेंड्स देखिए, दो के बाद चार दोनों में है, इन दोनों में है फ्रेंड्स। ठीक है, इन दोनों में है। ए वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस इज़ द क्लैमोर टू ओपन मोर कॉलेज। देखिए फ्रेंड्स, दो के बाद चार आएगा, तो जब दो के बाद चार आएगा, ए वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस इज़ द क्लैमोर टू ओपन मोर कॉलेज। देखिए, ए गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों में से एक ऑप्शन अब सही होगा। तो देखिए, चेक करते हैं इसको, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब पहले को चेक करते हैं, क्लैमोर टू ओपन मोर कॉलेज फॉर बैकवर्ड क्लासेज। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसका यूज करें, ए वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस इज़ द क्लाइमेट टू ओपन मोर कॉलेज फॉर बैकवर्ड क्लासेज, हम इसको यूज कर दें, एंड टू रिजर्व मोर सीट्स। इसके बाद अगर लास्ट में हम एंड टू रिजर्व मोर सीट्स करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बात बैठ नहीं रही। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ बात बन नहीं रहा। अगर इसके बाद यूज करें एंड टू रिजर्व मोर सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेज, तब दोस्तों यह थोड़ा बहुत सही लग रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? दो चार और तीन एक, दोस्तों यह सीरीज सही है। तो कौन से ऑप्शन में यह है? 2 4 3 1, सी वाले में, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ही फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों इसके बाद क्या आएगा, यह बताना है हमें इन चारों में से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गो दिया है, अगर ही के साथ अगर हम गो का यूज करें तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों ही जो है सिंगुलर नंबर है। अगर हम बात देखें इसको अच्छी तरह से, तो देखिए डेली है, यहाँ पे डेली का यूज कब होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों अगर सिंगुलर नंबर नाउन है, अगर सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे दोस्तों। तो वर्ब में यस या ईएस किस ऑप्शन में दोस्तों लगाएं? गोज वाले में, सी वाले ऑप्शन में। तो दोस्तों सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, द थंडर वाज अकंपनीड अ हैवी रेन। देखिए दोस्तों, अकंपनी के बाद बाई आता है, तो दोस्तों इस वाले को आप देख लेंगे, अकंपनी के बाद बाई आता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन यह है, डिटेक्ट का हमें क्या ढूंढना है? नाउन ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों, डिटेक्ट का डिटेक्शन हो जाएगा नाउन। ठीक है दोस्तों, छानबीन करता डिटेक्शन का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डिटेक्ट का नाउन क्या हो जाएगा? डिटेक्शन। और ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर है। पाँचवा क्वेश्चन क्या है? ही इज़ ग्रेटर दैन मी। तो दोस्तों इसको क्या करना है? सेम मीनिंग बताना है, सेम मीनिंग। तो सेम मीनिंग कौन सा लगता है? देखिए दोस्तों, आई एम द ग्रेटेस्ट या नहीं हो सकता, आई एम एज ग्रेट एज ही। देखिए दोस्तों, लेकिन इसमें क्या दिया है? ही इज़ ग्रेटर देन मी, यानी कि वह जो है मेरे से बड़ा है, तो मैं तो उससे बड़ा हो नहीं सकता, यानी उसके बराबर बड़ा नहीं हो सकता, या फिर उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो यह वाला भी गलत हो गया। ही इज़ एज ग्रेट एज आई, वह मेरे बराबर तो बड़ा नहीं है, वह मुझसे महान है। ठीक है दोस्तों, यह वाला भी गलत हो गया। बचा कौन सा? ए वाला, देख लेते हैं इसको, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। इसका मतलब दोस्तों यह वाला सही है,
देख लीजिए आप इसका मीनिंग देखिए, मैं उसके जितना महान नहीं हूँ यानी कि उससे कम महान हूँ, तो ये वाला सही मीनिंग रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरर बताना है। स्पॉट द एरर, इस एरर रहेगा, एरर्स एरर पार्ट पार्ट इफ एनी इन द फॉलोइंग, एरर बताना है दोस्तों। छठा क्वेश्चन है, एरर बताना है। इसमें देखिए, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। ठीक है दोस्तों, वह उसका एक्सीडेंट हो गया। ही मेट मतलब एक्सीडेंट होने का मतलब होता है दोस्तों, मेट विथ एक्सीडेंट होता है, यूज उसका किसके साथ होता है, मेट होता है, एक्सीडेंट के लिए मेट का लगाते हैं हम। अगर हम किसी का एक्सीडेंट हो गया, राम मेट विथ एन एक्सीडेंट होगा, तो दोस्तों यहाँ पे तो सही है, मेट विथ एन एक्सीडेंट। देखिए गलती कहाँ पे है, सी वाले पार्ट में क्या एरर है। देखिए अगर एक्सीडेंट हो गया तो, एक्सीडेंट हो गया तो उसको चोट तो लगेगा, तो खुद तो उठ कर जाएगा नहीं अस्पताल में एडमिट होने, वह गिरा रहेगा तो उसको कोई उठा कर ले जाएगा। यानी कि इससे पहले अगर हम कहें कि वाज एडमिटेड दोस्तों, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट वाज एडमिटेड, और एक उसका दुर्घटना हो गया और उसे भर्ती कराया गया हॉस्पिटल में। दोस्तों यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज होगा, और पैसिव वॉइस और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज अवेयर का और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो वाज लगेगा इससे पहले, सी वाले पार्ट में रहते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सी वाले पार्ट में रहते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त जैसे देखिए दोस्तों क्या है, सातवां क्वेश्चन, ही स्टोल ए डॉग एंड सोल द डॉग फॉर ₹50। ठीक है दोस्तों, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन का यूज होता है कब, जब वाक्य में एक बार नाउन का जिक्र हो चुका होता है दोस्तों। जब वाक्य में एक बार नाउन का यूज हो जाता है, तो उसके बाद जब भी नाउन का यूज करेंगे तो उसके स्थान पर प्रोनाउन का यूज करेंगे, उसका प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, ही सोल्ड अ डॉग, ही स्टोल अ डॉग, उसने एक कुत्ता चुराया, डॉग को चुराया, एंड सोल्ड द डॉग। ठीक है दोस्तों, डॉग जो है एक नाउन हो गया, और नाउन जब एक बार और रिपीट हो रहा है, लेकिन नाउन को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक प्रोनाउन का यूज करेंगे। और देखिए दोस्तों, जीवधार जंतुओं के लिए प्रोनाउन इट का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डॉग के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, ही स्टोल ए डॉग एंड सोल इट फॉर ₹50। दोस्तों सी बी वाले पार्ट में एरर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, बोथ मिली एज वेल एज मीना आर ब्यूटीफुल, इसमें भी एरर बताना है किस पार्ट में एरर है। देखिए दोस्तों, इसमें किस पार्ट में एरर है, देखिए बोथ के साथ एंड वाला क्या कहते हैं दोस्तों, चलता है, मतलब इसके साथ इन मतलब बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, और नो सूनर के साथ देन का, नो सूनर के साथ आप जानते हैं देन का, स्कार्सली या हार्डली के साथ वेन का यूज होता है, स्कार्सली या हार्डली के साथ वेन का दोस्तों। तो बोथ के साथ किसका यूज होगा, एंड का, एंड एज वेल के स्थान पर, एज वेल एज के स्थान पर एंड का यूज करेंगे, तो बी वाले पार्ट में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस बात का आप याद रखें कि बोथ के साथ एंड का यूज होगा, और अगर नो सूनर दिया तो उसके साथ देन का यूज होगा, और स्कार्सली या हार्डली दिया तो उसके साथ वेन का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वेन का यूज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये नरेशन से है। तो क्वेश्चन क्या है, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन्स डेली। ठीक है दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन हमें बताना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है। तो जब टीचर हमें बोल रहा है रेगुलर होने के लिए और पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब एडवाइस करेगा। ठीक है दोस्तों, यह दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, बचा कौन, ये दोनों सी और डी वाला। ठीक है दोस्तों, अगर हम करें सी वाले को देखें, द टीचर एडवाइज्ड मी बी रेगुलर। देखिए दोस्तों, जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो अगर मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में दोस्तों, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसको दोस्तों मतलब अगर इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है कोई, तो उसे हम चेंज कर देते हैं दोस्तों। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है, तो उसे हम चेंज कर देते हैं, तो इसको हम एडवाइस में तो चेंज कर देंगे, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आती है उससे पहले हम टू का यूज़ करते हैं दोस्तों। देखिए इसमें टू का यूज नहीं किया गया है, द टीचर एडवाइज मी बी रेगुलर, जबकि इससे पहले टू का यूज़ करना था। तो दोस्तों यह गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, यह भी, तो डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन क्या है, इट इज़ वॉइस चेंज करना है दोस्तों, पैसिव वॉइस बताना है। इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स, दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, तो इट इज़ टाइम वाला जब भी आता है, इट इज़ टाइम वाला दोस्तों, तो इट इज़ टाइम
फार हो जाता है दोस्तों, इट इज़ टाइम फार द बुक्स, इट इज़ टाइम फार द बुक्स टू बी बॉट, इट इज़ टाइम फार द बुक्स टू बी बॉट किस में दोस्तों, बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के भी ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।